सेकंड ब्रांच की ओपनिंग की है यहाँ पे। इनकी पहले भी ब्रांच जो है जवाहरनगर के अंदर है वो आपको पता ही होगा, और कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। जब भी कोई नया घर बनाएगा तो उसको भी ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की, तो इस छत के सब कुछ यहाँ पे पूरा किया हुआ है। तो जिस तरह से अगर बात की जाए तो युवा आपके साथ शाना बशाना चलता है, जिस तरह से कोविड 19 में आप भरपूर तरीके से आपने इन्फेक्शन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, फिर भी आपने लोगों के अंग संग रहे और आपका एक विश्वास था कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो कई लोगों की जो है जाने बचेंगी और खासकर जो इन्फेक्शन से प्रभावित नहीं होंगी। देखिए युवाओं का उस टाइम बहुत जोश था, आपने देखा होगा जो हमारी टीम थी 100+ टीम जो हमारी थी साथ चल रही थी, हमारे सब ने साथ दिया मिलजुल के, आपने साथ दिया, और खासतौर पे जो बात करूँ विशाल सानी साहब की, ये हमेशा हमारे साथ रहे कोविड के अंदर, इन्होंने तन मन धन से हमारा साथ दिया इन्होंने, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। और मैं माता से ये प्रार्थना कर रहा हूँ जिस तरीके आज उन्होंने ये ब्रांच खोली है, आने वाले टाइम में और ब्रांचें खोलें। और कहीं ना कहीं मैं पहले बताना भूल गया था, इन चीज़ों की हर घर में जरूरत पड़ती है। जिस तरह उन्होंने रेंज बताई है हमें, कोई आम आदमी मजदूर आदमी का जो रेट है हमारा 150 रुपये शुरू होता है और 6500 रुपये से खत्म होता है जाके। और मैं कहता हूँ कि ये जो शहर के लोग थे इनको दूर जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो है जम्मू शॉपिंग करते हैं, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने एक किस्म का माल कहेंगे इन्होंने खोला यहाँ पे, क्योंकि हर वरायटी इनके पास है यहाँ पे, पिल्लो लीजिए, बेडशीट, हर चीज़ है इनके पास, हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट है इनके पास। और मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग एक बार विजिट करें यहाँ पे, क्योंकि एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है आपको, क्योंकि आजकल आपको पता ही है जो लोग घर बनाते हैं शौक की तरह बनाते हैं, और हर चीज़ में शौक की रखी हुई है, आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के अपना, हर तरीके कर्टन्स वगैरह रखे हुए यहाँ पे इन्होंने। और अंत में मैं इनके पूरे परिवार को, गुलशन सानी साहब को, उनके पूरे परिवार को, विशाल जी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले टाइम भी ये अपनी और ब्रांचें खोलें। धन्यवाद गुलशन सानी जी जो कि इस पर बात रखेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय निकालकर यहाँ के इनोग्रेशन पे आए, हमारा साथ दिया, आगे भी हर कदम पे ही हमारा साथ देते रहे हैं, देते रहेंगे, हमें इनसे बड़ी उम्मीद। सबसे पहला तो मैं विशाल सानी जी के नाम से इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने वो सारी चीज़ें जिनकी रजौरी में या रजौरी पूंछ में ज़रूरत है वो उस पैटर्न को यहाँ पे हमारे रजौरी में एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं। पहला अगर इन चीज़ों की ज़रूरत हमारे लोगों को यहाँ पे पड़ती थी तो उनको यहाँ से वक्त निकाल के जम्मू जाना पड़ता था, और आज इन्होंने ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारी जो चीज़ें जिनके लिए लोगों को जम्मू तक जाना पड़ता था, आज रजौरी में रजौरी के लोगों के लिए अवेल की हैं। इसके लिए हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और इनके शुक्रगुजार भी हैं। और साथ में जैसा रहा कि हमारे यहाँ के जितने भी नौजवान हैं वो इस सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में और ज़्यादा तरक्की करें, और सारे तरह का जो बिजनेस है वो हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए रजौरी में हो, ये हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजौरी शहर के अंदर अब हर तरह के जो यहाँ पे आप मेडिकल कॉलेज है, बाहर की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ यहाँ पे होता है, BGSB यूनिवर्सिटी है, और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो भी हमारे यहाँ आती है, चाहे वो बूढ़ा अमरनाथ जाना हो वो यहाँ हमारे इस रजौरी शहर में रुकती है। जब ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे होती हैं तो हमारे ये जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं, और हमारे शहर से उनको कोई चीज़ लेने के लिए यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए हमारे जितने भी नौजवान इस मसले में आगे आएंगे हम सबके साथ मिलकर तावन भी करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि जितने लोग इस मसले में बिजनेस के सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी में बेरोजगारी भी है
और ये एक मतलब बिजनेस के मामले में हम अगर सारी चीज़ें अपने लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दे पाएंगे, ये रजौरी पूरे शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इसकी तरफ से मैं यहाँ पे अपने सारे नौजवानों को म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी की तरफ से तह दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आने वाले समय में भी अगर बिजनेस को लेकर कोई भी अगर किसी तरह का साथी हमारा इस मसले में आगे पहल करता है तो काउंसिल पूरी और हमारे यहाँ के सारे शहरी उसके साथ तावन भी करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे अपने लोग हैं और जितना हम इनके साथ तावन और कोऑपरेट करेंगे हमारे नौजवानों के अंदर ये इनकरेजमेंट पैदा होगी। इसी चीज़ को लेकर हम आज यहाँ पे नाजी जी को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। जिस तरह से अगर बात करें म्यूनसिपलिटी की, तो किस तरह से इन्होंने चेयरमैन आरिफ झट जी ने भी एक आश्वासन किया इनको कि आपने जो ये कार्य किया है ये बड़ा सराहनीय है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये युवा के लिए एक मैसेज भी है कि हम एम्प्लॉयमेंट की ओर ध्यान ज्यादा ना दें, ज्यादा अपने सेल्फ सर्विस में देखें, ताकि अगर देखा जाए तो बाहर देखा जाए बॉम्बे दिल्ली वगैरह देखा जाए तो ज्यादा लोग जो है अपने बिजनेस को ही प्रमोट करके अपना अच्छा खासा जो है घर चला रहे हैं। और हमें चाहिए कि उनकी सीख लेना, खासकर नाजी जी, इन्होंने भी COVID-19 में इतना भरपूर साथ दिया है अपने इस डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, खासकर इन्होंने जो है जो इक्विपमेंट दिए ताकि लोगों को वो फैसिलिटी मिल सके, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से इन्होंने ये विशाल फर्निशिंग पॉइंट खोला है, कहीं ना कहीं हम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इनको सफलता प्राप्त हो, और इनको सफलता प्राप्त होगी और ये भी अपने जो समाज के कार्य हैं उनमें भी तेजी लाएं। राकेश जी, सबसे पहले विशाल सानी जी हैं, उन जो सानी परिवार है पूरा, उनको अपनी दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं कि विशाल जी ने सबसे पहले जो है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उनकी जो एक दुकान जो है जवाहर नगर के अंदर है, और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने सिटी के अंदर खोला है, खासकर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि जिस तरह से लोगों को अपने घर बनाते हैं, आपको पता है आजकल कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों को डेकोरेशन करने के लिए अपने घरों को सजाने के लिए जो है हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कर्टन्स होंगे, बेडशीट होंगी, इस तरीके से गाँव में यूज़ होते हैं, ऐसी चीज़ें जो है लोगों को यहाँ से स्पेशली जम्मू जाना पड़ता था ये सामान लेने के लिए, और खासकर जवाहर नगर वाला जो एरिया है वहाँ उस साइड का जो एरिया है वो तो चलो इन्होंने एक तरफ से कवर कर दिया था, बट सिटी के अंदर जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज जो है इन्होंने यहाँ पे एक दुकान की ओपनिंग की है जो इनकी दूसरी ब्रांच है, और एक यहाँ पे इनके पास जितना भी जो है घर को सजाने के लिए जितना भी सामान है यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे इनके पास हर एक कर्टन की बात करें, हर एक कर्टन की रेंज है इनके पास, और इनके साथ साथ जो ब्लाइंड जो है यहाँ रजौरी के अंदर जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो यहाँ नहीं मिलते थे, और ऑफिस के काम में ज़्यादा यूज़ होते हैं, वॉल पेपर है इनके पास, और ऐसी अन्य चीज़ें हैं जो घर के काम में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है यहाँ पे अवेलेबिलिटी करवानी और जो है लोगों तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात है, और मैं इनको अपने दिल की गहराई से शुभकामना देता हूँ कि इसी तरीके से जो है दूसरी यहाँ खोलिए, और इसी तरीके से जो है हर जगह जो है अपनी ब्रांच खोलते रहें, और अंत में वहाँ से यही प्रार्थना करूँगा कि इसी तरीके से आगे बढ़ें। आज ये जो परिवार सानी परिवार जिसकी आज यहाँ पर उद्घाटन की गई है, शोरूम कर्टन का शोरूम नाजी जी, इस परिवार को हम बधाई देते हैं कि जिन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट लोगों के बीच में लाया और रजौरी शहर में ये चीज़ खोली वार्ड नंबर 11 में, हम इनको बधाई देते हैं, इनके पूरे परिवार को, और लोगों से हम निवेदन करते हैं कि बड़े सस्ते ही दाम पे यहाँ पर आपको ये फर्निशिंग मटेरियल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और ये जो सुविधा इन्होंने जवाहर नगर से आकर रजौरी शहर के लोगों को दी है इसका लाभ लें। एक बार दोबारा इनके पूरे परिवार को हम बधाई देते हैं।